तो सीता माता के घर से श्री राम भगवान के घर पे कुछ भेंट जा रहा है गाइज। अभी तो अयोध्या से ज़्यादा हमारे जनकपुर नेपाल में भीड़ है भाई, भीड़ तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। ये सब इसे बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। तो देखिए हमारे नेपाल से रामलला के लिए क्या क्या जा रहा है गाइज। आज नेपाल से जनकपुर धाम से अयोध्या का सफर हो रहा है। तो गाइज इस यात्रा का नाम है भार यात्रा, जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक। तो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, इट्स मी विपिन मोहरा फ्रॉम बीरगंज नेपाल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जय श्री राम। तो गाइज आपको पता होगा भीड़ देखे कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। पूरा अयोध्या, यहाँ से अयोध्या तक जा रहे हैं लोग, नेपाल से अयोध्या तक जा रहे हैं, क्योंकि राम भगवान का ससुराली यहाँ पे है हमारे नेपाल जनकपुर में मिथिला राज्य। एंड आप लोग बता दूं कि हमारे नेपाल से बहुत कुछ जा रहा है, चांदी का उनका चप्पल बन के जा रहा है, बाण बन के जा रहा है, तीर धनुष बन के जा रहा है, कपड़ा जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है भाई हमारे नेपाल से। तो गाइस देखते हैं अब नेपाल से जितना लोग गए अब कब तक पुगते हैं कब तक नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। आई थिंक कल मॉर्निंग तक पुगेंगे लोग, अब देखते हैं कब तक पुगते हैं। एंड गाइस आप लोग वीडियो प्रॉपर रूप से देखिए, मैं अभी जा रहा हूँ रथ यात्रा में, आप लोग लगे रहिए ब्लॉग में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, कितना ब्लॉग जा रहा है, अब क्या पता उतना नहीं है, वहाँ जाके पता लगेगा। तो ये हमारा बीरगंज के सबसे पुराना मंदिर गाहवा माई मंदिर। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग देख सकते हैं पहले ही सशस्त्र प्रोटेक्शन के लिए, एंड गाड़ी देखिए भाई दूर दूर तक गाड़ी है भाई। तो चलिए देखते हैं और कितना दूर तक ले गाड़ी है यार। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद नेपाल जनकपुर धाम से अयोध्या धाम भार यात्रा, इस यात्रा को नाम दिया गया है भार यात्रा। तो सच में गाइस बहुत ही अच्छा, एक दिल में इतना संतुष्टि मिलता है ना अयोध्या नाम सुन के। आज नेपाल से जनकपुर धाम से अयोध्या का सफर हो रहा है, देख सकते हैं अयोध्या में चल जा रहा है। गाइस हमारे नेपाल से अभी मैक्सिमम 5-6 हज़ार लोग जा रहे हैं गाइस, सब देख सकते हैं सुमो ट्रक सब में बैठ के जा रहे हैं गाइस, अपना कार है वहाँ से भी जा रहे हैं सब लोग, जनकपुर से जा रहे हैं। अभी तो 22 जनवरी को और लोग जाएंगे और मैं भी जाऊंगा, तो देख सकते हैं। तो माता सीता का ससुराल जा रहे हैं सब लोग श्री राम लला से दर्शन करने, और यहाँ पे पंडित जी लोग बैठे हैं और फूल अक्षत वितरण कर रहे हैं लोग। तो ये भीड़ देखिए भाई, ये भीड़ जनकपुर धाम का है। और गाइस म्यूजिक बजा नहीं सकता क्योंकि म्यूजिक प्ले करूँगा, म्यूजिक के साथ बजाऊँगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए विदाउट म्यूजिक। देखिए गाइस बहुत भीड़ है, बहुत
अयोध्या में भी ऐसा ही भीड़ होगा 22 जनवरी को। आई नो मुझे भी जाना है अयोध्या, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो सारे बोलो जय श्री राम। एंड गाइज मैं अयोध्या आने वाला हूँ, अयोध्या में भी ऐसा ही ब्लॉग बनाऊँगा। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड लोग में भी शेयर कर देना। जय श्री राम। सभी हम श्रद्धालु अपने आप पे एक स्वयं सेवक की तरह है, स्वयं रास्ता बनाए सहयोग करे, उनको का काफिला को आए गुजरने में सहयोग करे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि रास्ता बना दे, रास्ता बना। तो भाई 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 क्या भीड़ है यार, नेक्स्ट लेवल भीड़। आप लोग देखिए जनकपुर में पूरा रोड पैक हो गया था एंड हमारे बीरगंज में भी पूरा रोड पैक हो गया था भाई। तो सब सारे मिलके बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं भी बता दूँ अयोध्या जाने का मेरा भी प्लान बन रहा है गाइज, होप जा पाऊँ। प्लान तो बन रहा है, बहुत ज़्यादा मन है अयोध्या जाने का। अब देखते हैं जा पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बजट इशू है। एंड आपको बता दूँ मतलब ये 500 साल का मेहनत है तब जाके ये अयोध्या में राम मंदिर बना भाई। इससे ज़्यादा एक हिंदू के लिए प्राउड का मोमेंट क्या हो सकता है, कुछ नहीं भाई। बहुत लोग लगे थे मंदिर बनाने के लिए यार, लेकिन फाइनली 500 साल बाद मंदिर बन रहा है। तो वो आप सुने ना कि मतलब आप लोग सुने ना, जो चीज़ जिसका होता है उसका मिलके ही रहता है। तो हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है यार, बन चुका है गाइस। 22 जनवरी को ओपनिंग है, मैं जाना चाहता हूँ। आप देखते हैं जा पाता हूँ कि नहीं। एंड गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिए। आप लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया में शेयर करिए गाइज, क्योंकि हमारे नेपाल से इतना भव्य रूप से जा रहा है उधर डोली यात्रा जा रहा है अयोध्या में गाइज। तो भाई शेयर करिए एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स।